आज की स्टूडियो में मेरे पास Redmi Note 12 Turbo हैरी पॉटर एडिशन का जुड़वा भाई आ चुका है। इससे पहले जो स्टूडियो मैंने डाली है ना, मैंने उसमें कहा था कि मैं दो और हैरी पॉटर एडिशन स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन आज की स्टूडियो में मेरे पास आ चुका है एक और Redmi हैरी पॉटर। हालांकि ये स्मार्टफोन उसी की तरह सेम टू सेम है, बस हालांकि फर्क है तो वो प्राइस में। ये जो है उससे हमें 30,000 रुपये सस्ता देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों का बजट जो है 30,000 सस्ता लेना चाहते हैं तो आप लोगों के पास ये एक बेस्ट ऑप्शन है ये स्मार्टफोन लेने का। हालांकि अगर मैं ये बात करूँ आज की स्टूडियो में मेरे पास कौन सा स्मार्टफोन मौजूद है, तो आज की स्टूडियो में मेरे पास मौजूद है Redmi Turbo 3 हैरी पॉटर एडिशन। इससे पहले जो था Redmi Note 12 Turbo हैरी पॉटर एडिशन था, और ये जो है Redmi Turbo 3 हैरी पॉटर एडिशन हमें देखने को मिल जाता है। लेना कि सेम टू सेम है और प्राइस भी सेम टू सेम, 32,000 रुपये ये सस्ता है और नेम भी सेम टू सेम हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। अब हर वक्त कहना तो ऐसे नहीं लगता कि अब हर वक्त मैं आप लोगों के सामने भीख मांगता रहूँ कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, फेवरेट कर दें और जो हो सके वो कर दें। हर वक्त बोलने भी अच्छा नहीं लगता, अब आप लोग भी समझदार लोग हैं, आप लोग समझते हैं कि हर वक्त बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, तो बड़ा ही मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। हालांकि ये स्मार्टफोन का डिज़ाइन तकरीबन 80% उसी की तरह सेम टू सेम है, 80% क्या बल्कि इसका जो बॉक्स है वो भी हमें उसी की तरह सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन से बॉक्स की बात कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं किस डब्बे की बात कर रहा हूँ। तो गाइस हमें जो है ब्लू कलर का बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स में हर एक चीज़ को डिटेल से मेंशन किया गया है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ को इसमें जो है डिटेल से मेंशन किया गया है। अगर आप लोग इसके बॉक्स का साइज देखें तो बॉक्स का साइज जो है वैसे मेरे मुंह से तो बड़ा ही हमें देखने को मिल जाता है, हालांकि इसका बॉक्स का साइज जो है बहुत ज़रा हमें बड़ा देखने को मिल जाता है। हालांकि वीडियो में उस तरह पता नहीं चलता कि मैं क्या बात करूं, लेकिन रियल लाइफ में और वीडियो में बहुत ज़रा फर्क होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। ये तो हमें रिपोर्टर का घर देखने को मिल जाता है गाइस, जो ये देख के तो सही वैसे मजाक करो यार, ये इसमें जो है कुछ करेक्टर वगैरह होंगे उनके कुछ होगा मुझे वैसे नहीं पता, और ना ही मैं कोई रिपोर्टर का बड़ा फैन रहा हूँ, ना ही मेरी इसकी कोई वीडियो या कोई एपिसोड अगर मैंने इसकी कोई देखी हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया नहीं है इसके बारे में कि ये क्या चीज है। लेकिन इतना नजर आ रहा है कि ये हमें जो है कुछ किला वगैरह टाइप का कुछ देखने को मिल जाता है। मैंने आप लोगों को अभी अभी क्या कहा था कि इसमें हर एक चीज को डिटेल से मेंशन किया गया है, आप लोगों ने सही सुना। आप लोगों को मैं ये दिखाता हूं ये तलवार में क्या है, इसमें जो है हमें एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 90 वाट का हमें इसमें जो है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर देखने को मिल जाता है, और चार्जर में भी हैरी पॉटर को मेंशन किया गया है। ब्लैक कलर की टाइप ए टू टाइप सी हमें इसमें केबल देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। वैसे यार एक बात कहूँ, इसका चार्जर और इसकी केबल का जो लुक है ना, मुझे इसका लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमें इसका लुक देखने को मिल जाता है। यूजुअली गाइड चेक करें गाइज, आप लोग अगर इसकी गाइड देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही में कुछ अलग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और ये है कवर, भाई कितना प्रीमियम लुक है इस कवर का, आप लोग इसका कवर देखें तो कवर का जो लुक है वो जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी लुक देखने को मिल जाता है। पता नहीं अब आप लोगों को मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं कि इसका जो है कवर हमें किस तरह देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग इसके कवर में बैक में देखें तो बैक में जो है हमें थोड़ा कर्व देखने को मिल जाती है, कवर जो है आधा काटा हुआ है पीछे का जो बैकग्राउंड है वो, ताकि क्लियर देख सके। और यहाँ तक के कवर में भी हैरी पॉटर को मेंशन किया गया है। मैंने आप लोगों को जिस तरह के कहा था कि इसमें जो है हर एक चीज़ को डिटेल से मेंशन किया गया है, यहाँ तक के कवर में भी हैरी पॉटर को मेंशन किया गया है, वो भी जो है कंपनी वाले खुद हमें देते हैं। आजकल तो कुछ कंपनी वाले चार्जर नहीं दे रहे, वो उनको बहुत बड़ा बोझ लगता है, लेकिन इन्होंने तो जो है साथ ही साथ में हमें इसमें जो है केस भी दे दिया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका डिज़ाइन जो है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप लोगों को किस तरह बताऊँ इसका डिज़ाइन हमें किस तरह देखने को मिल जाता है। हैरी पॉटर में जो कैमरे का मॉड्यूल है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। कैमरे का मॉड्यूल तो बड़ा है, बल्कि एलईडी फ्लैशलाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। एलईडी फ्लैशलाइट के मेरा मतलब इसमें जो है हमें रिंग लाइट शक्ल की फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है। ऊपर का जो एरिया है ना वो हमें पर्पल में देखने को मिल जाता है, नीचे का जो एरिया है वो हमें गोल्ड में देखने को मिल जाता है, यानी ऊपर जो है पर्पल एडिशन देखने को मिल जाता है, नीचे जो है गोल्डन एडिशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अब आप लोग बोलेंगे इसमें जो कवर आया है ना, अगर वो हम इसमें लगाएंगे तो हमें किस तरह देखने को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर अगर हम लोग जो है कवर लगाएंगे तब हमें किस तरह देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग अपनी आंखों से देख ले कि इसमें के ऊपर जब हम लोग कवर लगाएंगे ना तो ये स्मार्टफोन जो है हमें इतना अच्छा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ये बात करूँ इसमें जो है मुझे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे ना तो आप लोगों को इसमें जो है 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी।
6.67 इंचेस की 120 हर्ट्ज ओएलईडी डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि 6.7 इंचेस आजकल हर एक स्मार्टफोन में आती है। डिस्प्ले का लुक ही अलग हमें इसमें देखने को मिल जाता है और अंदर का इंटीरियर भी हमें हैरी पॉटर एडिशन से इंस्पायर हुआ देखने को मिल जाता है। अगर अंदर का जो इंटीरियर है ना, वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर वगैरह हो गया, इसके अलावा आगे जो थीम वगैरह हो गया ना, स्ट्रक्चर हो गया, टेक्स हो गया, ये सब कुछ जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल की बात करूँ तो बैक में जो है मुझे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, उससे छोटा जो है 8 मेगापिक्सल का हमें इसमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ में एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि रिंग लाइट शक्ल में, जिसके बारे में तो अभी मैंने आप लोगों का कहा। अगर फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा जो है मुझे इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। हालांकि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इस बजट में तो A1 है। हालांकि अगर बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप होता तो ज़रा अच्छा होता, अगर डुअल है तो इसलिए भी अच्छा है, इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन जिस बजट में ये लोग जो हमें जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उस बजट के मुताबिक ये बिल्कुल अच्छा है। कैमरा अगर यूज़ करने में जो है हमें बहुत ज़्यादा कूल देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन और फीचर हमें कैमरे की सेटिंग में देखने को मिल जाएंगे। जब आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को खुद ही इसके बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। इसी के अलावा इसमें जो है मुझे 3.5 mm जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता, ये बात आप लोग सुन लें कि इसमें जो है हमें 3.5 mm जैक अवेलेबल देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर और कंपनीज वालों को चार्जर जो है अपने बॉक्स में देना बहुत बड़ा बोझ लगता है, वहीं पर हैरी पॉटर ने तो कमाल ही कर दिया। इन्होंने तो जो है अपनी छोटी से छोटी चीज़ को बॉक्स में दिया हुआ है। अगर जो है सिम एजेक्टर पिन के बारे में कहूँ तो वो भी जो है हमें बॉक्स में देखने को मिल जाती है, तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है हमें कितना ज़रा अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर इसी के अलावा मैं ये बात करूँ, ये स्मार्टफोन जो हमें चाइनीज़ वेरियंट देखने को मिल जाता है, यानी ये स्मार्टफोन जो है चाइना में लॉन्च हुआ है। अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों ये स्मार्टफोन बाय करना हो तो आप लोग भाई के साथ रब्ता कर लीजिएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग है ये स्मार्टफोन लेने में, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को ये स्मार्टफोन भेजवा दूंगा, अगर आप लोग कहीं से भी हैं। इसके अलावा मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस जो है मैंने आप लोगों को क्या कहा था, पिछले वाले स्मार्टफोन से 30,000 सस्ते हमें देखने को मिल जाता है, यानी इसकी प्राइस हमें मिलती है 99,999। आप लोगों ने सही सुना, 99,999 हमें इसकी पाकिस्तानी प्राइस देखने को मिल जाती है। अगर आप लोगों ने बाय करना हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमें ये बताओ इसमें मुझे कितना वेरियंट मिलता है। इसमें मुझे मिलता है 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। वेरियंट इतना बुरा नहीं है, वेरियंट बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज एक ही वेरियंट हमें इसमें अवेलेबल देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने बाय करना हो तो रब्ता जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नीचे इनबॉक्स में और रखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।